अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये काले चने और लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको खुशक भी बना सकते हैं और तरी वाली भी बना सकते हैं। मैंने मिडल में रखी है, मैंने थोड़ी सी तरी बनाई है और बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत इजी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। हम बनाने शुरू करते हैं और आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। और सबसे पहले तो हम ये जो चने हैं इनको धो के भिगो देंगे और इसके बाद फिर हम इनको पकाना शुरू करें। अभी ये 1 लीटर पानी है, इसके अंदर हम भिगो देंगे। अभी हम ये अपनी रेसिपी का अगला स्टेप शुरू करेंगे। ये जो चने मैंने भिगोए थे, मैंने ओवरनाइट भिगे रहने दिए थे। आप इसको 4 से 5-6 घंटे के लिए अगर भिगो दें तो जो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। 1 प्याज है, बस फ्रेश चिली थी, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून पेपरिका, 1/4 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 मीडियम टमाटोस, 1/2 कप ऑयल है। और अब ये जो चने हमने भिगोए हुए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। बड़े अच्छे से फूल गए हैं तो इस सबको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे। अब ये बॉयल होना शुरू हो गया है तो अब मैं इसका गैस हल्का कर दूंगी और इसको 30 मिनट के लिए पकने दूंगी। चने उबल रहे हैं, हम ये जो लौकी है इसको छील के काट लेते हैं। हम इसको चेक भी कर लेंगे, खा के देखेंगे कि ये कड़वी तो नहीं है। अगर कड़वी हो तो फिर नहीं पकाते। अभी मैंने इसको ये काट लिया, हम इसको धो लेंगे। ये धो लिया, अब इसको 2 कप पानी में, मैं पानी में भिगो दूंगी क्योंकि ये वैसे भी अगर रखेंगे तो काला हो जाएगा, तो इसी पानी के साथ में फिर मैं इसको चनों के अंदर डालूंगी। ये 30 मिनट से चने पक रहे हैं हल्के गैस पे। तो अब हम इनको चेक करेंगे, पानी अभी इसके अंदर है। जो हमने 1 लीटर पानी में भिगोए थे उसी में हमने पकने रखे थे और ये बिल्कुल गल गए हैं। ये 1 घंटे से पक रहा है हल्के गैस पे। तो अब हम इसको भून लेंगे, जब इसका सारा ऑयल बाहर आ जाएगा फिर हम इसके अंदर लौकी डालेंगे। अभी ये इनका तेल बाहर आ रहा है, इसके अंदर ये लौकी डाल देंगे। पानी हम रखेंगे, सेव करेंगे और यही पानी मैं इसके अंदर डालूंगी। थोड़ा सा भून लेंगे। ये वाला पानी हम इसके अंदर डाल देंगे, ढक देंगे और फिर इसको हल्के गैस पे सिमर होने देंगे जब तक ये लौकी भी अच्छे से गल जाएगी। 20 मिनट से सिमर हो रहा था। पालक के पत्तों से इसको गार्निश करूंगी। गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून और 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस है मेरे पास, और इसको मिक्स कर देंगे। आप बनाएं अपने घर में, एंजॉय करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।